ये सोनोदाद ऋषि लोग वहीं पर यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते 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 उनका हृदय तक भी जल गया। लेकिन मन में कोई शांति नहीं मिल रहा था, मन में आनंद नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर श्री सुतो गोस्वामी आए हैं। कहती है सुतो कौन है? बोले दो सुत हैं। कितने सुत हैं? बोले जोर से दो हैं। बोले एक उग्र सभा सुत और एक लोमहर्षण सुत। ये लोमहर्षण सुत उग्र सभा सुत जी के पिता है। एक समय नैमिषारण्य में ये लोमहर्षण सुत ऋषि मुनियों को ये पुराण सुना रहे थे। ठीक बीच में श्री बलदेव प्रभु आए। बलदेव प्रभु कौन? कहती ये मूल गुरु श्री बलदेव प्रभु। लेकिन जब श्री बलदेव प्रभु आए, कहती जो लोमहर्षण सुत, बोले कोई बात नहीं, मैं पुराण सुना रहा हूँ। व्यास गद्दी पर बैठ करके आए तो अपने चुपचाप बैठ जाएंगे। देखो नियम है, अगर हम कथा कर रहे हैं, कोई बड़े संत अगर बीच में आ जाए, कथा को वहीं पर बंद कर दो। कथा को वहीं पर बंद कर दो। बंद करके क्या करो? पहले संतों का आदर करो, क्योंकि ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं? संतों के हृदय में ही ठाकुर जी बैठ गए। इसलिए अगर संतों का आदर कर दिया ना, ठाकुर जी अपने आप खुश हो जाते हैं, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। लेकिन श्री बलदेव प्रभु मूल गुरु तत्व है, उन्होंने उनको कोई पूजा सेवा नहीं की। बोले आए बैठ जाएंगे चुपचाप। इतने में बलदेव प्रभु ने देखा, बोले तुम कथा बोलने का लायक ही नहीं। जहाँ संत आए, संतों का सख्यात बलदेव प्रभु, उनको आदर जतन नहीं, कथा बोलते हुए जा रहे हो। उनने एक त्रिनका लिया और वहीं पर गला को काट दिया। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गई। बोले अभी हम पुराण सुनेंगे कहां से? ऋषि मुनियों ने बताए। बोले चिंता मत करो, उनका एक छोटा बच्चा था 5 साल की, वो सख्यात दाऊ भैया है कृष्ण से अभिन्न। उनका सर पर हाथ रख करके व्यास गद्दी पर बैठा दिया तो उनके हृदय में सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ति हो गई। बोले बैठ और पुराण सुनाना शुरू करो। उन्होंने पुराण को सुनाना शुरू कर दिया। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, ये सुतो गोस्वामी सबसे पीछे बैठे हुए थे, हाथ जोड़ करके गदगद होते हुए कथा सुन रहे थे। लेकिन ये पूरी भागवत कथा को अगर किसी ने हृदय में धारण किया तो श्री सुतो गोस्वामी ने धारण किया हृदय में पूरी भागवत कथा को। इसलिए ये सुतो गोस्वामी जब आए, सोनकादि ऋषि लोग प्रसन्न हो गए और उनको आसन दे करके बैठाए। बोले हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से वेद पुराण इतिहास ये सब के सब आप अध्ययन किए हो, आप कृपा करके बताओ ये कलिजुग आया है। बोले कलिजुग का स्थिति क्या है? बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाभस्मीन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुब द्रुता। बोले कलिजुग में प्राय करके लोगों का जो परम आयु वो कम है। सत्ययुग में 1,00,000 साल जिंदा रहते थे, त्रेता युग में 10,000 साल रहते थे, द्वापर युग में 1,000 साल रहते थे। लेकिन जब कलिजुग आ गए ना, वो 100 साल हो गया। और जब घोर कलिजुग आएगा, वर्णना किया है, लोग 10 साल के हो जाएंगे, बैगन भी तोड़ नहीं सकते हैं, इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। क्योंकि अभी कलिजुग में ना हर चीज हाइब्रिड से बन रही है, कोई प्योर चीज नहीं मिलती है। पहले प्योर चीज मिलता था, लोग खाते थे, इसलिए शरीर में बड़े हृष्ट पुष्ट। फिर जो इंटरनेट टीवी ये सब चीजें आ गई ना, और जो स्मार्टफोन आ गया, सबका जीवन तो बर्बाद कर दिया। क्योंकि पहले ये सब टीवी वीवी स्मार्टफोन नहीं होता था, इसलिए बच्चे ये सब गंदी चीज नहीं देखते थे, लड़की को पीछे नहीं भागते थे, लड़कों को पीछे भागते नहीं सबके। पहले ये ब्रह्मचर्य पालन करते थे। पहले तो लड़की माताओं को थोड़ी सी लिखी पढ़ी सीख गई ना, थोड़ी सी हिसाब किताब, बोले घर में रहो, जाने का कोई जरूरत नहीं, जाने का कोई जरूरत नहीं, घर में रहो, घर को संभालो। और उनको जल्दी जल्दी उनको शादी कर देते थे, अपना ससुर घर में जाओ, जा करके अपना परिवार को संभालो। इसलिए सबके सब घर बंद रहता था। लेकिन अभी कहते नहीं, बराबर हम चाहिए, हम किस चीज की कमी नहीं, हम बराबर हमें अधिकार चाहिए। ज्यादा लिखे पढ़े करेंगे, जितने लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं ना, उतना डाइवोर्स, उतना अशांति घर में, उतना ही समस्या है, उतना ही समस्या। हम सोचते हैं शायद बहुत ज्यादा लिखे पढ़े करे, शायद एडवांस हो गए, कोई एडवांस नहीं हुए।
अब सही सही देखोगे ना, अर्भार्थ नहीं, अब डाइवोर्स का भी पहले पहले बात ही नहीं सुने, कोई डाइवोर्स नाम का कोई चीज थी। अभी भारत में ये भी जहां पर डाइवोर्स होता ना, इनको पूछ लो, उसी अभी रिटायर्ड हुए जो भजन गा रहे थे, रोज इतने केस सोच सोच कर दंग रह जाओगे। बोले इतने ऑफिस में काम करते थे, इसलिए भैया पहले के जो संस्कृति हमारी ना, वो बढ़िया संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है। माताओं के अंदर में जो ममता है, बच्चों को पालन करो, घर को संभालो, अपना परिवार को अच्छे तरह से संभालो। पुरुषों का काम है बाहर जाओ, अपना काम करो, बाहर देखो, तब संसार अच्छे तरह से रहती थी। अभी संसार सहज में नहीं। हम एक बहुत बड़ा पैसा वाला घर घर में गया था, उसको बेटी को देखा 35 साल हो गया। मैंने कहा तुम बेटी को शादी क्यों नहीं करवाते हो, जानते हो क्या बोला? बोले महाराज जी अगर बेटी शादी करके अगर एक महीना कहीं रुक गया ना ससुर घर में, हमारी परिवार में बहुत बड़ी काम हो गया। एक महीना भी रुकना कठिन है, क्योंकि उल्टा पुल्टा संगत में, नाइट क्लब में जो बताए, जो बिताया जिसने, उल्टा पुल्टा बहु लड़कों के साथ में घूम घाम करके जो आया आई, वो जा करके एक पति को साथ में घर कैसे बैठाए, बैठा नहीं सकती घर को। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी से बात को ध्यान से उन्होंने देखा, बोले कलयुग में धीरे 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 ये परमायु धीरे धीरे ये घटते हुए आएगी, इसलिए इसका नाम हो गया कली। कली मतलब क्या है? कलह, लड़ाई, झगड़ा, अशांति, घर घर में जहाँ झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, जाति जाति में झगड़ा, इसलिए इसका नाम कली युग है। इसलिए बोले कली युग में बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुभद्रुता। कली युग में सभी का जो मन है स्वाभाविक रूप में गंदी चीज में जाएगा, स्वाभाविक रूप में गंदी चीज में जाएगा। और झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब अगर पत्नी अगर कहीं सत्संग में आई, थोड़ी सत्संग का रंग चढ़ गया, अगर थोड़ी सी गले में कंठी तिलक लगा दिया ना, बोले कौन सा बाबा के चक्कर में तो बढ़ गई। हाँ, ये सब कंठी तिलक, अगर पति अगर थोड़ी सी कहीं सत्संग में आए, कहीं अगर प्रभु का भक्ति करना शुरू कर दिया, पत्नी बोले घर का कोई काम धंधा नहीं, जब देखो गीता भागवत माला लेकर बैठ जाते घर में हैं। अगर बच्चा अगर कहीं सत्संग में आ गया, अगर थोड़ी सी माला ले लिया ना, बोले ये कोई उम्र है अभी तेरे को भजन करने का, लेकिन अगर सिगरेट फूके ना, शराब पी, बोले वेरी गुड, बच्चा तो एडवांस हो रहा है, लेकिन गला में कंठी माला लगा दिया ना, बोले ये कोई उम्र है अभी तेरे भजन करने का, अभी तेरे कोई उम्र है, अभी से कंठी माला तिलक तुमने क्या लगा दिया। इसलिए कलयुग में इतनी उपद्रव, कलयुग में, इसलिए सौनक आदि ऋषि लोग कहते हैं आप कृपा करके बताओ जीव का कल्याण कलयुग में कैसे कल्याण होगा। तो उन्होंने उनको 6 प्रश्न किए, और जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत, ये 6 प्रश्न का उत्तर आप लोगों ध्यान देकर सुना। आज तो मैं बताऊंगा 6 प्रश्न क्या है, कल जो मेरे को बोल देगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है, मन लगा कर सुनो। पहला प्रश्न इनका है, आत्मा को शांति कैसे मिले, ये करोड़ों रुपया की प्रश्न है। क्योंकि देखना जीवन में हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हो, शांति के लिए, सबके सब सुख शांति के लिए, लेकिन शांति मिलती नहीं। अगर सामने एक समस्या सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए शांति मिलेगी, अब प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो दूर हुई नहीं, घर में 2 समस्या है, फिर सोचते हैं किसी तरह से 2 समस्या दूर हो जाएगा फिर तो शांति मिलेगी, अब देखना प्रैक्टिकल रूप में 2 समस्या दूर नहीं हुई, 3 समस्या दल 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 में फंस जाते हैं। इसलिए इनका यही प्रश्न है, ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या। एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, कहते शांति मिलेगी कब, बोले शांति तभी मिलेगी जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, इसलिए कृष्ण गीता में कहते अर्जुन जब तक जीव मेरी भक्ति नहीं करता है, जब तक जीव मेरे भजन नहीं करता है, कभी जीव को शांति नहीं मिल सकता है, तभी शांति मिलेगा जब मेरे शरण में आएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के अभी तक जगत में कोई सुखी हुए ही नहीं। लेकिन हमारी मन में एक धारणा, क्या धारणा जानते हो, अगर घर में ज्यादा पैसा आ जाएगा ना हम सुखी हो जाएंगे, हमारे मन में इच्छा है ना, अगर ज्यादा पैसा हो जाएगी
हमें शांति मिलेगी। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो? कौन रावण का नाम जानते हो? हाथ उठाओ तो। सब जानते हो। उसका था सोने की लंका। किसका लंका थी? सोने का लंका थी। डाइनिंग रूम में सोना, किचन रूम में सोना, पैखाना भी सोना, उसको बैठने का रूम सब सोना ही था। हमारे पास में कितना सोना होगा बोलो? कितना सोना? 1 किलो है? 2 किलो? 10 किलो? 20 किलो? इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगा ना। उसका लंका ही सोना था रावण का। फिर क्या सोचते हैं, अगर किसी छोरी, अच्छी छोरी से शादी हो जाए ना, शायद शांति मिल जाएगी। उसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी जानते हो? मंद मतलब होता है पतली, उधर मतलब कमर। अब रामायण सुने होंगे, जब श्री हनुमान जी मैया सीता को ढूंढने के लिए गया, जब उसने मंदोदरी को देखा भ्रमित हो गया, बोले यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतने सुंदरी थी। लेकिन हनुमान जी का देखे नहीं, ये कभी लक्ष्मी नहीं हो सकते। क्यों? ये तो शराब पी करके बेहोश होकर पड़ी हुई रावण के पास में, ये कैसे माँ लक्ष्मी हो सकती? इधर राम विरह में दुखी होते होगी, इतने सुंदरी थी। फिर सोचते हैं अगर घर में अच्छा कोई छोरा आ जाए, हैं बेटा हो जाए, शायद सुखी हो जाएंगे। उसका बेटा का नाम था मेघनाथ, इंद्रजीत। इंद्र को जो जीतने वाले, मेघ जैसे गर्जत था, इसे ऐसे बेटा था। लेकिन तभी वो लंका में चैन में नहीं जीता था, वो बेचैन से जी रहा था चैन में। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था, आनंद में जी रहा था। आप बता सकते हो वो व्यक्ति कौन था? जो कि कौन? बोलो जोर से बोलो। बाबा यहाँ सब पंडित बैठे हुए, अच्छी बात है। इसलिए विभीषण केवल चैन से जी रहा था। बोले किस लिए? कारण है वो राम का भक्ति करता था, भगवान को भक्ति करता था, इसलिए चैन से जी रहा था। और सबके सब बेचैन से क्यों जी रहे थे? इसलिए वो कोई भी प्रभु राम की शरण में कोई थे नहीं। शिक्षा देते हैं, अगर हम जीवन में चैन से जीना चाहते हैं, सुख में जीना चाहते, क्या करो? प्रभु राम की शरण में जाओ, श्री कृष्ण शरण में जाओ, तभी जीवन में चैन से जियोगे। और हनुमान जी ने किया कि बोले सोने की लंका में उन्होंने आग लगा दी। कहां आग लगाई? कहां आग लगाई? आप लोग ये बोलो, सोने में कहीं आग लगती है? आप बता, सोने में कहीं आग लगती है? सोने में आग लगना उतना चमचमाता है, लेकिन ये हनुमान जी सोने में किस लंका में आग लगाई? देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो। कहते भले ही तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो, वो भी जल करके राख हो जाएगी अगर प्रभु का राम शरण में नहीं जाओगे तो, कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो। केवल उन्होंने विभीषण घर को छोड़ दिया, किस लिए? वो प्रभु राम का शरण में था। शिक्षा देते हैं, अगर प्रभु की शरण में रहोगे ना, केवल बच्चे रहोगे। अगर प्रभु की विमुख होगे, अगर तुम्हारी सोने की लंका क्यों नहीं हो, वो भी जल करके क्या बन जाएगी? वो भी राग बन जाएगी। इसलिए इनका दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान श्री बांके बिहारी जी की कथा सुनाओ। इसलिए कृष्ण की 3 धाम है, एक मथुरा, एक भगवान की द्वारका और एक वृंदावन है। ये 3 धाम की हमें कथा सुनाओ। केवल कृष्ण कथा नहीं, उनके जो अवतार है, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, इनके जितने अवतार है, इन्हीं अवतारों का भी हमें कथा सुनाओ। 4th प्रश्न है, भगवान की पराक्रम की कथा सुनाओ। और जो 6th प्रश्न है, जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी कलयुग में धर्म कहां पर आश्रय लिया? जब उन्होंने ये 6 प्रश्न की, अभी 6 प्रश्न को सुन करके श्री सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले ये जितने प्रश्न हैं सब भगवत संबंधी प्रश्न हैं, कोई दुनियादारी प्रश्न है नहीं। बड़े खुश हो गए। अभी उन्होंने बोले, मैं सबसे पहले अपना गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो गुरु जी की चरण की वंदना कर रहे हैं। बोले बंदाऊ गुरु पद पदो मा परागा, बंदाऊ गुरु पद पदो मा परागा, बंदाऊ गुरु पद पदो मा परागा, बंदाऊ
बोले क्यों कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बता। अगर ठाकुर जी और गुरु जी खड़े हैं सबसे पहले किसकी प्रणाम करनी चाहिए? पहले गुरु जी की प्रणाम करो। ठाकुर स्वयं कहते हैं कहते जो व्यक्ति मेरे पूजा करते हैं ना कहते भैया मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता तू मेरे को पाओगे, ये ठाकुर जी कहते हैं। लेकिन जो मेरे भक्तों को पूजा करते हैं ठाकुर जी कहते जरूर एक दिन तुम मेरे प्राप्त करो भाई, क्योंकि मेरे भक्तों का हृदय में ही मैं बैठता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भवन दी तरह न कोई जो बिरिंची शंकर सम होई। वो कहते ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ अगर सदगुरु चरण आश्रय नहीं करोगे भगवान तुम्हें नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान राम वो तो दुनिया का मालिक है, उनका गुरु जी कौन थे? वशिष्ठ जी। रामायण देखना जब जब प्रभु राम कोई भी काम करते थे सबसे पहले श्री गुरु जी से परामर्श लेते थे तभी कोई काम करते थे। भगवान कृष्ण वो भी जब थे वृंदावन में सांडिल्य उनको पूर्व रहते था पढ़ने के लिए गए थे शांतिवनी मुनि उनका गुरु जी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनका गुरु जी श्री ईश्वर परिपाद थे, अपना गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए सब काम करते थे। महाप्रभु बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया, क्यों? मैंने गुरु जी के चरण को मैंने दर्शन किया है। इसलिए सबसे पहले ठाकुर जी की गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए इनकी प्रश्न की वो उत्तर देते हैं। बोले भैया मेरे गुरु जी वो कौन है? बोले मेरे गुरु जी साधारण नहीं। बोले जम प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आयु भाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। मेरे गुरु जी श्री सुखदेव गोस्वामी जो मातृगर्भ में 16 साल तक रहे वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। पिताजी ने कहा भैया मैया को इतना कष्ट क्यों देते हो, बेटा बाहर निकल करके आ जा। बोले बोले मैं आना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले संसार माया की संसार है। मातृगर्भ में जब दुख कष्ट मिलता है बच्चे को वो तो बड़ा भगवान को पुकारता है प्रभु मेरे को नरक से निकालो। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे? बोले मैं समझ गया संसार झूठा कोई किसका है नहीं, अगर एक बार मेरे को मातृगर्भ से निकाल दोगे ना उठते बैठते सोते मैं तेरा नाम लूंगा। क्या करोगे? मैं उसका नाम भजन करूंगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हम सबके सब मातृगर्भ में ये प्रतिज्ञा करके आए ठाकुर जी हमें मानव शरीर देने पर उठते बैठते तेरा भजन करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं क्या तू कष्ट पा करके बोलते हो भजन करोगे ना, जब जन्म लोगे फिर मेरे को भूल जाओगे। बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा तेरे को, मैं कभी भूलूंगा नहीं। ठाकुर जी कहते अगर भूल जाओगे ना फिर बीच बीच में मैं तुमको वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना ये मेरे फास्ट वार्निंग है, समय हो गया ऊपर जाने का। लेकिन अगर हमने देख लिया एक बाल पक गया उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे मेरा कुछ नहीं हुआ। अगर दूसरे बाल पक गया तभी उखाड़ देंगे, तीसरा बन गया फिर अगर ज्यादा पक गया ना फिर मेहंद लगा देते कलर कर देते हैं। तब थोड़ी अभी हम बूढ़ा बूढ़ी हुए मर कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी बोले फिर दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारी आंखों में कमजोरी आ जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा पहन लेते हैं।
बोले फिर तीसरा वार्निंग ही दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले जो खिलखिला कर हंस रहे हो ना, एक एक दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में फिर 32 दांत लगा देते हैं और खिलखिला कर हंसते, फिर मेरा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर चौथा वार्निंग ही दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाएगी, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे, कमर तोड़ दूंगा। अगर तभी भजन नहीं किया ना, फिर तो 55वां वार्निंग दूंगा ही नहीं, फिर तो तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। इसलिए ये एक एक वार्निंग। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया समय रहते हुए भगवान की भजन कर लो, समय रहते हुए क्या करो, समय को बर्बाद नहीं करते हुए भगवान का नाम भगवान की भक्ति कर लो, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले श्री गुरु जी को प्रणाम किया। बोले मेरे जो गुरु जी है साधारण नहीं, जन्म होते ही जो संन्यास लेकर के जा रहे थे, पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे, हा पुत्र हा पुत्र प्रतिध्वनि आ रहा था, हा पुत्र हा पुत्र, कौन किसका बेटा कौन किसका पिता है, झूठा संसार है, कोई किसका संसार में है नहीं। सुतो गोस्वामी कहते हैं मेरे गुरुदेव सारे वृक्षों में सारे जीवों में मेरे गुरुदेव का विद्यमान, जब मेरे गुरु जी सर्वत्र विद्यमान है मेरे हृदय में भी गुरु जी प्रकट हो जाए और इनका जैसे मैं सही सही में उत्तर दे पाऊं। गुरु जी की प्रणाम करते हुए उनको प्रश्न का उत्तर देते हैं। आप लोगों बताओ तो पहला प्रश्न क्या था, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ जोर से, बोला कौन बोलेगा? आत्मा को। आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ों रुपया की प्रश्न है। अभी हम आज सुनेंगे आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, हमें शांति क्यों नहीं मिल रहा है, सबके सब तो शांति ढूंढ ही रहे लेकिन शांति मिलती नहीं क्यों। सुनेंगे प्रभु जी एक बढ़िया भजन सुना दो, बढ़िया से एकदम चकाचक नाचने वाला। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि तेरे नाम की ओणी चुनरिया और तेरे नाम की ओणी चुनरिया मैं तो नाचु बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया की चार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया की चार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया की चार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया की चार में। एक बात आपको बता दें, कहते हैं कि जो ठाकुर जी के दरबार में एक बार नाच लेता है तो उसको 84 योनियों में नाचना नहीं पड़ता, ये सत्यवाद है। अरे ठाकुर जी के आगे नाचने में क्या शर्म है? एक बात बताओ, अगर दुनिया वालों के सामने नाचोगे तो कोई मजाक उड़ाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहेगा कि इस पे नाच नहीं आता है, लेकिन जब शादी होता है ना, मेरा ठाकुर जी ये नहीं देखता है कि किस पे डांस करना आता है और किस पे नहीं आता है, वो केवल भाव देखता है, अंदर से भाव कैसा है इसका। तो जिस मेरी माता बहन पर भाई बंधु पर नृत्य करना आता है तो वो ठाकुर जी के दरबार में अवश्य नाचे, ना कि संकोच करे। मुझे पता है मेरी माताओं का मन करता है पर मन मार के बैठ जाती है, नहीं नाच पाती है किसी कारण बस, पर नाचे बड़े भाव से। कि तेरे नाम की ओणी चुनरिया तेरे नाम की ओणी चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया की प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। मैं तो
की हालत हो गई मेरी कांवरिया के प्यार में कैसी हालत इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं रहा कोई किसी का प्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। सुतो गोस्वामी ने पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तभी ये जीव को पूर्ण शांति मिलेगी जब ये जीव ठाकुर जी की शरण में जाएगा, भगवान की शरण में जाएगा। ये जो बोले सबई पुंसा, पुंसा मतलब होता है हर प्राणी का एक धर्म है। वो क्या धर्म है? बोले जतो भक्ति रधक सजे अधस्व जो भगवान कृष्ण श्री बांके बिहारी जब उनके चरण की भक्ति करे। लेकिन जो आत्मा का जो धर्म है वो आत्मा का धर्म क्या कहती, ये शरीर का धर्म है। लेकिन जो आत्मा धर्म है भगवान को भक्ति करना ही यही जीव का परम धर्म है। बोले भक्ति भैया भक्ति करनी कैसे चाहिए, भक्ति हमें करनी कैसे चाहिए? हम बोलेंगे भैया हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति दो तरह से करनी चाहिए कैसे? पहला नंबर है भक्ति में कोई कामना वासना नहीं, भक्ति में हमारे कोई कामना वासना नहीं हो। देखो हमारी भक्ति कैसे, जैसे 10 रुपया की कोई फूलों की माला नहीं तो कोई प्रसाद लेकर के ठाकुर जी की चरण में चढ़ाए, लेकिन एक पर्ची होगी कम से कम 10 करोड़ की होगी। 10 रुपया का तो सामान चढ़ाया लेकिन पर्ची कितना की? 10 करोड़ की। ठाकुर जी इसलिए आपका चरण में 10 रुपया चढ़ा रहा हूँ, हमारे सामने व्यक्ति का 3 मंजिल हो गया, अभी हमारी 1 मंजिल है। उसका बेटा कार में घूमता है, अभी हम साइकिल में घूम रहे हैं। अभी तो बेटा बेटी की शादी नहीं हुई है, इसलिए तरह तरह का कामना वासना उससे हम भर कर के ठाकुर को देते हैं। 10 रुपया की वस्तु चढ़ाई इसलिए ठाकुर जी आकर के हमारे घर में तुम ये सारे काम करो, हमारे घर का सारे काम कर लो। बोलो ठाकुर जी को ना हम नौकर बना दिए, ठाकुर जी को हमने नौकर बना दिया ठाकुर जी को, इसको भक्ति नहीं बताया। ये तो हो गया मतलब हो गया तुम्हारी भक्ति ऐसे नहीं है। दूसरा कैसे भक्ति करनी चाहिए? भक्ति निरंतर जमई, निरंतर जमई मतलब क्या? भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसे नहीं जब सुखी में हो थोड़ी सी भजन किया थोड़ी दुख आ गया तो माला झोली उठा करके पटक दिया। हम भगवान की इतना भक्ति की ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे क्यों नहीं? भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए, भक्ति बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए। आप लोग बोलोगे भैया हम तो घर गृहस्थी है, हमारी बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान थोड़ी हमारे पास में, हम थोड़ी साधु संत हैं जो भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं करेंगे। ठाकुर जी से बोलने का जरूरत नहीं,
केवल ठाकुर जी की भक्ति करो। नरसी भक्त का नाम सुने हो? सुने हो नरसी भक्त की? उनकी बेटी की जब शादी हुई ना, नरसी भक्त तो पहले तो था बहुत सेठ, अपना बेटी के बहुत दहेज दे करके शादी करवाए। लेकिन बाद में जब उसने साधु बन गया, उसका बेटी की जब शादी हुई, उसका ससुर घर वाले बोले नरसी भक्त को घर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो फकड़ बाबा बन गया, सारे संपत्ति उसने लुटा दिया सबको, इसलिए हम शादी नहीं करवाएंगे, तुमको घर में घुसने नहीं देंगे जब तक दहेज नहीं दोगे। उसका पत्नी ने इतना बड़ा चिट्ठा लिखी, इतना किलो सोना, इतने कपड़े, इतने जूते, इतने लिखे, जब ठाकुर जी की कृपा हुई ना, आप देखे होंगे, देखे हो नरसी भक्त का सील, देखे हो कौन कौन देखे हो, ऐसे हीरे जवाहरात की बौछार हुई, ऐसे हीरे जवाहरात की ठाकुर ने बौछार की, वो तो देख देख दंग रह गए, ऐसे ठाकुर जी उसकी बात भरे। इसलिए जब हम ठाकुर जी की भक्ति करेंगे ना, कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, इसलिए मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी जानते हैं सब कुछ, तुम्हारी झोली भर देंगे। इसलिए क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान को प्रेम करते रहो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अगर जीव ऐसे निष्काम रूप में भगवान की भक्ति करे तो ठाकुर जी को प्रेम करना, जरूर आपको आत्मा को शांति तुम्हें जरूर मिलेगी। जो दूसरा प्रश्न था, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया, क्योंकि जब तक ये जीव ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुत भयम् जोगिनाम निप निर्मित हरे नामान कीर्तनम। बोले जितने वेद, जितने पुराण, जितने उपनिषद, सबके सब एक ही बात बताए, कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है, बोले कलियुग के भलना मां आधारा, कलियुग के भलना कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना सुमिरी सुमिरी नारा उतराई पारा, सुमिरी सुमिरी कलियुग के बलना माधारा, कलियुग के बलना माधारा। भगवान कलियुग में सबसे सरल उपाय दिया, कलियुग में ज्यादा परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं। सत्य युग में लोग क्या करते, तपस्या करते थे, चारों तरफ में आग जला करके, बीच में बैठ करके, टांग ऊंचा करके, सर नीचा करके, एक अंगुल को परे खड़े होकर के तपस्या करते थे। लेकिन कलयुग में देखा जीव ये कर ही नहीं सकता है। जैसे एक दिन व्रत रखते हो, कोई व्रत एक दिन रखे ना, बोले भैया ये काम कर लो, बोले आज हमने व्रत रखी है। मतलब कलयुग में एक दिन ही अगर पेट में भूखा रहे ना, वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अन्नगत प्राण, मतलब जब तक पेट में रोटी सब्जी नहीं दोगी शरीर काम नहीं कर सकता है। लेकिन सत्य युग में अब सुने होंगे, हिरण्यकश्यप ने तो एक अंगूठा को पर खड़े होकर के कितना साल तपस्या किया बताए, 60,000 साल बिना खाए पिए कितना साल तपस्या किया। कलियुग में एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता है जी। और मन तो इतने चंचल है कलियुग में, द्वापर युग में स्वयं अर्जुन कहते, द्वापर युग में चंचल ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है द्वापर युग में। अब कलियुग में तो इतने चंचल है, हाँ कहते हम ध्यान कर रहे हैं, बस आंख बैठ ध्यान क्या कर सो जाते हैं,
आंख बंद कर सो जाते हैं, कहते हम तो ध्यान कर रहे थे। भैया ध्यान क्या करोगे, अंदर में जो रील भरा हुआ वही तो निकलेगा। जिंदगी भर तो कचरा कचरा भर दिए मन में, बोले ध्यान करोगे, किस चीज का ध्यान करोगे? इसलिए कलयुग में ठाकुर देखा ध्यान कर ही नहीं सकते, ये कलयुग का ध्यान है ही नहीं धर्म। जो लोग बोलते हैं ना ध्यान, जो ध्यान शिविर है, वो लोगों को धोखे दे रहे हैं सबके सब। कहते कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल प्रभु का नाम, और कोई धर्म है ही नहीं। ये सत्ययुग में था ध्यान, त्रेता युग में था यज्ञ। अभी यज्ञ करने के लिए बढ़िया ब्राह्मण बुलाओ, कलयुग में अच्छे ब्राह्मण मिलना कठिन। कोई बीड़ी फूकने वाले, गुटखा खाने वाले हैं, उल्टा पुल्टा वेद मंत्र नहीं जानता है, मंत्र एक बोले संस्कृत तो पढ़ता ही नहीं, इसलिए मुंह से तो गलती सब। जितने कहीं हम यज्ञ में गए थे देखा, हमें भी सारे मंत्र पता था, वो सारे मंत्र गलती बोलते रहा था, क्योंकि वो संस्कृत तो पढ़ा ही नहीं, गया नहीं स्कूल संस्कृत पढ़ने के लिए। उसमें हर्षो दीर्घ प्लुत तीन स्वर से मंत्र पढ़ना पड़ता है, हैं तीन स्वर से हर्षो दीर्घ प्लुत, नहीं तो यज्ञ का उल्टा फल मिल जाएगी। हम आगे सुनेंगे कथा को, इसलिए एकदम मिलेगा नहीं। फिर यज्ञ करने के लिए किसको बुलाओ, पहले वो पैसा बोलेगा, इतना पैसा दोगे तो यज्ञ करोगे, उसमें कामना वासना आ गई, पर यज्ञ करने का तुम्हें फल ही नहीं मिलेगी। फिर यज्ञ करने के लिए हवन सामग्री लाओ, फिर उसमें हवन सागर भी मिलावट है, लिखा हुआ प्योर घी, लेकिन उसमें पता नहीं चर्बी फरबी क्या क्या उल्टा सीधा मिला हुआ, देवता को दोगे वो तो खुश होकर लेगे ही नहीं। फिर कितने पैसा तुम्हें चाहिए एक यज्ञ करने के लिए? कलयुग में भैया अपना खाना ही नहीं जुटा सकते, यज्ञ कहाँ से करेगा कलयुग? बोले भैया कलयुग में यज्ञ भी करने का कोई जरूरत नहीं। तीसरा द्वापर युग में अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए पहले पंचामृत लाओ, दूध दही शक्कर मीठा है, इसलिए पंचामृत लाओ, फिर धूप दीप अगुर चंदन कर्पूर फूल की माला। इतने पैसा पूजा करने के लिए बड़ा पैसा की जरूरत है, बोले भैया कहाँ से इतना पैसा लाओगे? इसलिए ठाकुर जी देखे कलयुग में इतना कर ही नहीं सकते, बोले ऐसे एक उपाय बताओ बिना पैसा में हो जाए, कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़े, बिना पैसा में वो हो जाए। बोलो क्या है? बोले भगवान का नाम। जैसे केवल ये होठ हिलने पर ठाकुर जी का नाम निकलता है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप बताओ कोई कष्ट हुआ ना, कोई पैसा लगा? बिना पैसा एकदम शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं, बस ठाकुर का नाम ले लिया ना बेड़ा पार में, ठाकुर का नाम लेते बेड़ा पार है। देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अगर अनजान में भी तुम ठाकुर का नाम मुंह से निकले गया, ध्यान देकर सुनो, कल ये स्टोरी मैं सबको पूछूंगा, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। बोले एक समय, ध्यान देकर सुनो, एक समय दो भाई थे, एक भाई तो बड़ा नास्तिक और एक भाई आस्तिक, मतलब एक मानता था दूसरा नहीं मानता था। अभी जो ठाकुर का भजन करता है उसको पता, भैया ठाकुर का भजन में कितने मस्ती है, ठाकुर का भजन में कितने शांति कितने सुकून मिलता है। जो भजन करता है उसको पता, जैसे हनुमत लाल जी, दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, दिन भर ठाकुर का नाम लेते हनुमान जी, इसलिए उनको पता भैया नाम में कितनी मस्ती कितना आनंद है। लेकिन जो नहीं करता उसको पता ही नहीं। एक दिन जो भक्ति करता है, एक दिन उसने अपना गुरु जी को घर में बुलाया, बोले गुरु जी मेरे जो छोटा भाई भजन नहीं करता है, एक दिन घर में आओ सत्संग रखो, मेरे छोटे भैया को थोड़ा समझाओ, वो भी भक्ति करेगा, दोनों भैया एक घर में रहते हैं आनंद में रहेंगे। गुरु जी जब घर में आए उसको पता चला, बड़े भैया गुरु जी को बुलाया, वो मेरे को समझाएंगे, बोले भैया सत्संग में बैठूंगा तभी तो मेरे को समझाएंगे, मेरे को सत्संग में बैठना नहीं। जब देखा गुरु जी घर में आए ना, वो बाथरूम में गया अंदर में, कुंडी बंद करके अंदर में बैठ गया, बोला मेरे को सत्संग में बैठना नहीं। अब गुरु जी आए, बड़े सुंदर कथा सुनाए, सत्संग सुनाए, लेकिन जिसी के लिए आए थे वो आया नहीं घर से,
लेकिन जब गुरु जी जा रहे थे बोले कम से कम इसका थोड़ा मंगल करके जाए, तो इतने में गुरु जी दरवाजे खटखटाए, बोले बेटा बाहर निकल कर कहा, बोले बाहर नहीं निकलूंगा, बोले बेटा एक बार बाहर तो निकल जाओ। बड़ी कष्ट से उसने दरवाजा खोला और गुरु जी पकड़ लिए। बोले गुरु जी बोले भैया एक बार तू तो कृष्ण बोल, एक बार क्या करो, एक बार तू एक बार कृष्ण। इतने में बोला मैं कृष्ण नहीं बोलता हूँ। क्या बोल दिया, मैं कृष्ण नहीं बोलता। बोले तू कृष्ण बोल ही दिया, देख बेटा तेरा उद्धार हो गया। लेकिन एक काम करियो, ये कृष्ण नाम को कभी बेचना नहीं, बेचना समझते हो, एक नाम कभी बेचना नहीं, एक नाम से तेरा उद्धार होगा। बोले ठीक है गुरु जी। जब उसका मृत्यु हुई, चित्रगुप्त अभी जमदूत पकड़ करके ले गए, जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किया है। देखो चित्रगुप्त का नाम सुने हो, चित्रगुप्त मतलब क्या, चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके। आप बोलोगे 10 मंजिल के ऊपर में मैं दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूँ, थोड़ी मेरे को कोई देख रहा है, नहीं। दिन में सूर्य का किरण सब जगह पर, ये सूर्य साखी है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है सबके सब। रात में बोलोगे अंधकार में कौन दिख रहा है, बोले नहीं 10 दिशाएं हैं, चंद्रमा साखी अंधकार साखी है। हम कुछ भी काम को छुपा करके आप कर ही नहीं सकते हो। देखना एक व्यक्ति का 4 बच्चे हैं, देखना एक बेटा तो बड़े होनहार पैसा कमाता है और एक का दिमाग है नहीं, अपना रोटी भी नहीं कमा पा रहा है। एक व्यक्ति का 4 बेटे, नेचर देखोगे अलग, यहाँ कितने लोग बैठे हुए देखो, एक का चेहरा दूसरा चेहरा तो मिलेगा नहीं, स्वभाव मिलेगा नहीं, कारण क्या। एक बच्चा अंबानी के घर में जन्म ले लिया, एक बच्चा रिक्शा घर घर में जन्म हुआ, जो रिक्शा चलाता क्यों, वो अंबानी घर में क्यों जन्म लिया, तू क्यों जन्म नहीं लिया। टाटा बिरला घर में तो तू जन्म ले सकता था, नहीं, हमने जैसे कर्म की कर्म के अनुरूप तुम्हें परिवार, पिता, माता, भाई, बंधु जो मिलता है, थोड़ी सी भी कर्म से बाहर नहीं जाता है। इसलिए वो सारे फटो ले रहा है, कौन, चित्रगुप्त सारे फटो ले रहा है, अंतिम समय में सारे काफी निकलेगा। उसने जब महाराज बोले इसका कापी निकालो, कितने पाप और कितने पुण्य की, बोले महाराज इसने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, तो नास्तिक था, मानता नहीं भगवान को। बोले भैया देखो तो सही, थोड़ी बहुत तो कुछ अच्छा काम किया होगा। कापी खोलते बोलते बोले हाँ, इनके घर में गुरु जी आए थे और इनके गुरु जी उनको हाथ पकड़ करके बोले एक बार कृष्ण बोल। लेकिन गुरु जी से मुंह से एक बार कृष्ण सुन करके उसने एक बार कृष्ण बोला और गुरु जी ने कहा देख बेटा अगर ये नाम को तुम अगर बेचोगे नहीं ना, तुम इसी नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी। गुरु जी ने ये बात बताया, इतना पुण्य। बोले भैया गुरु जी शुद्ध संत थे, उनके मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना मतलब वो कृष्ण नाम हो गया मंत्र, और उसने कृष्ण नाम बोला मतलब उनका हो गया शिष्य। गुरु जी का मुंह से सुनकर बोला है ना, इसलिए ये तो बड़ा पुण्य है। इसको पूछे ये बताओ, पहले तू पाप लोगे ना पुण्य लोगे। इतने में गुरु जी की बात याद आई, गुरु जी ने बताया था अगर ये नाम को नहीं बेचोगे, ये नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी। उसने कहा भैया गुरु जी बताया था मुक्ति मिलेंगे। बोले भैया मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दे दो। अभी जब महाराज सारे वेद पुराण ढूंढे एक कृष्ण नाम का क्या फल है, देखो शास्त्र क्या कहता है, बोले मधुरम मधुरम मेतद मंगलम मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल जीत स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया भृगुवर नर मात्र तार एत कृष्ण नाम। कहते जो भगवान का नाम है वो मीठे सभी परम मीठे हैं, मधुर सभी परम मधुर भगवान का नाम। सक्रिय मतलब एक बार अगर किसी तरह से किसी की मुंह से ठाकुर का नाम निकल जाए ना, नर मात्र को उधार कर देता है। जितने वेद पुराण का अगर मंथन करे तो अगर मक्खन निकलेगा तो ठाकुर जी की नाम ही निकलेगा। इसलिए आप देखना भले ही जीवन में तुम जो कुछ करो मत करो, जब अंतिम समय आएगा जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने राम और कृष्ण का नाम लिया ना वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ कुछ किए हो एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रहा है। पत्नी जाएगी रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं चलेगी।
परिवार जाएंगे तो शमशान तक चलेंगे, उसको आगे कोई भी चले तेरे साथ में चलने वाले नहीं। साथ में क्या जाएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने राम का नाम कृष्ण नाम लिया वही जा रहा है और सब एक छोड़ कर जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने देखा भैया भगवान का नाम तो बड़ा ताकत है, बोले एक बार अगर प्रभु का नाम कोई सुना तो प्राणी मात्र को उद्धार कर देता है। अभी जम महाराज तो सोच नहीं सके उसको क्या दे भैया, एक शुद्ध साधु से नाम सुना तो उन्होंने भैया मैं तो विचार नहीं कर सकता हूँ, बोले किसको पास में चले, बोले ब्रह्मा जी को पास में चलो, जगत को सृष्टि करते हैं चलो वही बताएंगे, बोले चलो भैया ब्रह्मा जी को पास में उन्हें पूछेंगे। उसने कहा देखो मैं चल करके तो जाने वाला है ही नहीं, मेरे को लेना तो पालकी ला बैठा करके ले चलो। अभी उन्होंने पालकी लाई और उनको उन्होंने पालकी में बैठाए, बैठा करके कहाँ पर ले चले उनको, जम ले चले ब्रह्मा जी को पास में। अभी ब्रह्मा जी दूर से देखा जिसको चित्रगुप्त और जिनको श्री जम महाराज कंधे पर ला रहे हैं जरूर कोई पुण्यात्मा होगा, नहीं तो ये दोनों क्यों कंधे पर ला रहे हैं। जम महाराज तो उनके लिए श्री ब्रह्मा जी थाली में आरती की थाली लेकर के फूल दीप लेकर के वहां पर आरती उतारने के लिए वहां पर प्रस्तुत रहे। जब वहां पर पहुंचाए बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन है जिसको आप कंधे पर लाए हो, बोले ये पुण्यात्मा नहीं पापात्मा, बोले फिर कंधे पर क्यों लाए हो, बोले ये तो बीच में हमें फंसा दिया। वो कहता है गुरु जी के मुंह से एक बार नाम सुना, गुरु जी ने बोले थे इससे मुक्ति मिलेगी, वो कहता है पहले उसका फल दो। अभी तो हम सारे वेद पुराण को ढूंढ लिया, हर जगह में एक ही बात बताए हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए हर शास्त्र में एक ही बात बताए, इसलिए आप ही बताओ जो गुरु जी के मुंह से एक बार नाम लेकर किया उसका क्या फल। उन्होंने भी सारे वेद वेदांत को ढूंढे, ढूंढते ढूंढते भागवत में एक श्लोक मिला, भगवान स्वयं अपना माँ को कहते हैं, बोले मैया बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्य, बोले माँ भगवान कपिल देव कह रहे, बोले माँ भगवान के नाम की महिमा क्या बताएं। अहो अहो मतलब आश्चर्य होकर कह रहे हैं, जिसकी जिहा से ठाकुर का नाम निकलता है वो कितने पुण्यात्मा, बोले ये ठाकुर का नाम कौन ले सकता है, बोले जिसने पूर्व जन्म में चार काम करके आया। कितना काम करके आया, क्या चार काम है, बोले सारे पृथ्वी में जितना तीर्थ जो भ्रमण कर चुका है, जगत का जितने दान पुण्य जो कर चुके हैं, पृथ्वी का जितने हाँ कहते जितने तपस्या जो पहले कर चुके हैं और जितने यज्ञ हैं जो पूर्व जन्म में ये चार काम करके आए, बोले माँ उसी की जिहा से ही ठाकुर का नाम उच्चारण होता है। अगर वो चंडाल क्यों नहीं हो, अगर उसका मुंह से ठाकुर का नाम निकला माँ समझना वो बड़े पुण्यात्मा है। अभी ब्रह्मा भी विचार नहीं कर पाए, बोले भैया फिर किसको पास में चले, बोले शंकर जी को पास में चलो, बोले भैया चल करके नहीं पालकी में बैठाओ। ब्रह्मा भी कंधे लगाए, शंकर जब कैलाश जा रहे थे तब पार्वती शंकर जी ने देखा दूर से, बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा जिसको ब्रह्मा और स्वयं चित्रगुप्त जम भी ला रहे हैं, शंकर भी आरती का थाला लेकर के खड़े रहे। जब पहुंचे बोले ये पुण्यात्मा कौन, बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा, बोले आप क्यों कंधे पर ला रहे हो, बोले हमें फंसा दिया बीच में, आप बताओ उसने एक जो कृष्ण नाम क्या क्या फल है। शंकर भी सारे वेद पुराण को ढूंढे, उनको भी एक ही श्लोक मिला, बोले जो एक बार कृष्ण नाम ग्रहण करता है वो इतने पुण्यात्मा है, इतने पुण्यात्मा है, वेद पुराण जिसका महिमा नहीं गा सकते, शंकर भी सही सही नहीं बता पाए। इतने में बोले भैया इसको कौन बताएगा, बोले जिनका नाम उनको पास में चलो, बोले भैया चल कर नहीं कंधे पर ले जाना पड़ेगा, भोले बाबा भी कंधे लगाए। अभी लेकर जब वैकुंठ में पहुंचे ठाकुर जी ने पूछा भैया ये पुण्यात्मा कौन है जिसको आप कंधे पर लाए, बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा, बोले कंधे पर क्यों लाए हो, बोले फंसा दिया है। बताओ ठाकुर जी जो आपकी भक्तों का मुंह से एक बार नाम सुन करके तेरे नाम ग्रहण करता है इसका फल आप ही बताओ, बोले इसका फल ये है जिसको स्वयं जम महाराज चित्रगुप्त जिसको स्वयं ब्रह्मा जी जिसको स्वयं भोले बाबा जिसको कंधे पर लेकर के मेरे धाम को आना पड़ता है,
जिसको लेकर के मेरे धाम को ले आना पड़ता है, इसका और कहां पर बैठता है, बोले उसको ले आओ और मेरे गोद में बैठाओ, और ठाकुर जी गोद में बैठ गया। इतने महिमा ठाकुर जी की। और कलयुग में भगवान ये सबसे सरल उपाय दिया, कलयुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम थोड़ा जप करो। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, भैया मैंने इतने सरल उपाय रख दिया, तभी ये कलयुग का जीव नहीं करता, तभी ये नहीं करता है, बैठ करके दुनिया की इधर उधर की बात बोल लेंगे, लेकिन मेरे नाम भगवान के नाम नहीं जप करते। ठाकुर जी कहते फिर इनका कल्याण कैसे होगा, फिर तो किसी जीवन में इनका कल्याण होगी नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, ये जीवन पा करके ठाकुर जी की भजन कर लो, ठाकुर जी के नाम जप कर लो, ठीक है। इसलिए देखो हम बैठ करके यहाँ बैठ करके देखो कथा से बीच से नहीं उठनी चाहिए। जब सिनेमा देखते हो बीच से उठकर चले जाते हो, जब सिनेमा कोई सीरियल देखते हो बीच से उठकर के जाते हो, नहीं, कथा को बीच से नहीं उठनी चाहिए। जब कथा विश्राम हो जाए, सबको प्रणाम करते हुए, प्रसाद लेते हुए, आरती लेकर, तभी तो कथा की पूरा फल मिलेगी ना, जो मांगो के फल मिलेगा कैसे। इसलिए कथा को बीच से उठना बड़ा पाप मानी जाती है। इसलिए जब तक और हम लोग समय ज्यादा नहीं, 6 बजे कथा विश्राम कर ही देंगे, 6 बजे से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, इसलिए 6 बजे से पहले कथा से मत उठो, ठीक है। इसलिए कहते ये कथा की बड़ी महत्व है, इसलिए कलयुग में भगवान का नाम ही एक सहारा है और कोई सहारा नहीं। देखो हम बैठ करके 5 मिनट ठाकुर का नाम जप करेंगे, ठीक है। 5 मिनट ही मेरे पीछे पीछे सबके सब ताली बजाते हुए सबके सब मेरे पीछे पीछे ठाकुर का नाम जप करो, ठीक है। बोले हाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे मिठी मिठी ताली की सेवा करते हुए, मिठी मिठी ताली सेवा करते हुए, हरे राम